दोस्तों, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को कहूं कि आप इंजीनियर बन के दिखाइए एंड लता मंगेशकर को कहूं कि आप डॉक्टर बन के दिखाइए, तो आपको लगता है कि जिस सफलता के शिखरों पे आज वो है कभी इस मुकाम को तय कर पाते? डेफिनेटली द आंसर इज नो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे सफल लोग जो उनकी सफलता का कारण है उनका करियर एंड उसका रीजन है कि जाने अनजाने में उन्होंने अपनी टैलेंट को पहचान लिया और अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया और इसी ने उनको सफलता दिलाई। थ्री इडियट्स फिल्म में भी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझाई गई है कि अपनी प्रतिभा को ढूंढिए, जिस चीज में आपका पैशन है उसी को आप अपना करियर बनाइए, तब देखिए काम करने का मजा ही कुछ और होता है। कुछ लोग अपने करियर में सफलता पाते हैं, कुछ लोग निष्फलता पाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि अगर मछली तैरने की जगह पे उड़ने की प्रतिभा, यानी अगर उड़ने की कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करेगी तो वो अपनी प्रतिभा कभी नहीं दिखा पाएगी। लाइकवाइज पंछी अगर उड़ना छोड़ के तैरने का प्रयास करेंगे तो वो कभी अपनी टैलेंट को प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो मैक्सिमम इंडियंस के लिए अगर बात करें तो एक रिसर्च है कि 30-40 ईयर्स की एज में इंडियंस को ये रियलाइज होता है कि 70-80% लोग रॉन्ग फील्ड में हैं, यानी उन्होंने अपनी पैशन को ढूंढने के लिए प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हम स्कूल्स, ट्यूशंस, बुक्स, फैसिलिटीज सारी चीज़ों पे एक्सपेंस करते हैं, बट हमारे अंदर टैलेंट कौन सी है या कौन सा फील्ड हमारे लिए थी बेस्ट है उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। मेरी खुद की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। YouTube के बहुत सारे वीडियोस में आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी कि मैंने MBA किया, उसके बाद रिलायंस और बिरला जैसी कंपनियों में एज अ मैनेजर काम किया। पोस्ट था, पोजिशन था, सब कुछ था, बट आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। एंड द रीजन वॉज मैंने अपने पैशन को ही अपने करियर में अपनाया नहीं था। एंड फाइनली बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद मुझे मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री वाला फील्ड मिलता है जो मेरा रियल पैशन है, और जब मैं इस फील्ड में आज काम कर रही हूँ तो वो सारी सफलताओं को भी मैंने पाया एंड वो सारी हैप्पीनेस को भी मैंने पाया। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में सफलता या सुख चाहते हैं तो अपने करियर के डिसीजन को बहुत वाइजली लीजिए और अपनी टैलेंट को पहचानिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम बात तो सही है पर हमारी टैलेंट क्या है यही हम नहीं जानते। देन डोंट वरी, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर आपकी टैलेंट पहचानने का तरीका बताने वाली हूँ। आर यू रेडी? द सॉल्यूशन इज ब्रेन एनालिसिस थ्रू DMIT। हमारे YouTube पे करियर रिलेटेड वीडियो में जब मैंने DMIT का जिक्र किया तो हमें बहुत कॉल्स आए, बहुत मैसेजेस आए कि मैम ये DMIT है क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो DMIT एक इतना सुंदर प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपने पूरे ब्रेन को समझ सकते हैं और उसके जरिए आप अपनी सारी इंटेलिजेंस एंड सारी आपकी टैलेंट को ढूंढ सकते हैं। DMIT का फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स के जरिए अपने ब्रेन की प्रतिभा को ढूंढ निकालना। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब उसकी 10 फिंगरप्रिंट्स एंड उसका ब्रेन साथ में बनता है। And each and every fingerprints represent your brain. तो उसका जो proper analysis होता है, तो हम आपकी strength, आपकी weakness, आपकी talent सब कुछ ढूंढ निकालते हैं। ये कौन करवा सकता है? ये report हर कोई करवा सकता है। एक जन्मा हुआ बच्चा भी fingerprints के साथ जन्म लेता है, end तक उसकी death तक उसकी fingerprints उसके साथ होती है। तो जैसे हमने तो इतने सारे लोगों का ये DMIT टेस्ट किया, तो हमारे पास एक एक दो दो साल के बेबी से लेके 80-90 साल के सीनियर सिटीजन्स के रिपोर्ट अवेलेबल है। इसके जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको अपने बारे में इतनी सारी डिटेल्स जानने को मिलेगी जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है। एग्जाम्पल, हम TV लेके आए, फ्रिज लेके आए, ओवन लेके आए, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें हाउ टू यूज पूरा समझाया गया है। पर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ तो कोई मैनुअल होता ही नहीं है कि हाउ टू यूज दिस टैलेंट। तो ये DMIT एक मैनुअल है जिससे आप अपने दिमाग को समझ पाएंगे एंड एग्जैक्टली उसका कैसे मैक्सिमम बेस्ट बेनिफिट लेना ये आपको सिखाया जाएगा। इस DMIT की बात करें तो उसके ढेर सारे बेनिफिट है। सबसे पहली बात तो इसमें इतनी सारी डिटेल्स मिलती है जिसमें आपके ब्रेन में कहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल आपका विकास हुआ है, यानी आपकी टैलेंट कौन सी है। आप मैनेजमेंट में अच्छे हैं, आप फाइनेंस में अच्छे हैं, आप HR में अच्छे हैं, आप म्यूजिक में अच्छे हैं, आप डांस में अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, कहाँ आप एग्जैक्टली पावरफुली वर्क कर सकते हैं ये आपको समझाया जाता है। प्लस एग्जाम्पल, छोटी छोटी हर एक बात, जैसे आपका सपना है कि मैं अपने बच्चे को सर्जन या डेंटिस्ट बनाना चाहता हूँ और उसके परसेंटेज तो बहुत ही अच्छे आते हैं, तो वो सुटेबल है इस फील्ड के लिए? नो, द आंसर इज नो, बिकॉज
डेंटिस्ट बनने के लिए या सर्जन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब आपके शरीर के छोटे छोटे मसल्स का कंट्रोल। आपके बच्चे के परसेंटेज तो बहुत ही अच्छे आते हैं, पर अगर वो फाइन मोटर्स में वीक है तो वो कभी भी अच्छी सर्जरी कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हमने देखा है कि कई बार बहुत ही अच्छे परसेंटेज या रिजल्ट लाने वाले भी सर्जन कभी उस टॉप लेवल को हासिल नहीं कर पाते। एंड कई बार हम देखते हैं बहुत सारे फील्ड में जिसमें उसका शायद मार्क्स कम थे पर वो करियर के टॉप में बैठे हुए हैं। सो टैलेंट को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी। कई बार हमें लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है यानी मैं उसको कोरियोग्राफर बनाऊंगा, बट डांस एंड कोरियोग्राफी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। डांस ग्रॉस मोटर स्किल्स से होता है यानी शरीर के बड़े बड़े मसल्स के कंट्रोल से होता है, बट जबकि कोरियोग्राफी वो हमारे दिमाग के विजुअल स्पेटियल फील का काम है, यानी बंद आंखों से आपका इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रांग है। अगर आप स्ट्रांग इमेजिनेशन कर सकते हैं तो आप कोरियोग्राफी, म्यूजिक डायरेक्शन, डायरेक्टर, ये सारे फील्ड के लिए सूटेबल है। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है, हम समाज में, मार्केट में, दुनिया में जब देखते हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परसेंटेज के जोर पे ही अपना करियर चूज कर लेते हैं। तो इसके जरिए प्रॉपरली समझाया जाएगा हमारी जिंदगी का दी बेस्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारा करियर होता है, तो वो कैसे लेना, वो एग्जैक्टली आप इस रिपोर्ट के जरिए इस डिसीजन को ले सकते हैं। सो इन शॉर्ट, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसे हम कहते हैं करियर, तो वो डिसीजन आप इसके जरिए ले सकते हैं। आप जानते हैं एक सर्वे के अनुसार इंडिया की 70-80% पॉपुलेशन अपने 30-40 इयर्स की एज में ही रियलाइज करती है कि हमने कहीं ना कहीं रॉन्ग फील्ड सिलेक्ट किया है। तो सोचिए उन्होंने अपने जिंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए और कितना खर्चा कर दिया उस डिग्री को पाने के लिए, जो डिग्री अल्टीमेटली रियलाइज होता है कि हमारे कोई काम की नहीं रही। सो दैट मीन्स अपनी जिंदगी का दी बेस्ट क्लैरिटी आपको इस रिपोर्ट से मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी बातें जैसे आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहेगा, आपकी अक्वायरिंग स्टाइल कैसी रहेगी, प्लस लाइक आपका AQ कैसा है, EQ कैसा है, IQ कैसा है, ये सब कुछ पता चलेगा। हमने स्कूल में सिर्फ IQ को ही इंपॉर्टेंस दिया, बट IQ के साथ साथ AQ, CQ इसका भी बहुत महत्व है। AQ मतलब लाइक एडवर्सिटी क्वोशेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं पायलट बनूं, पुलिस में जाऊं, आर्मी में जाऊं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका AQ कैसा है। Why? Because AQ मतलब एडवर्सिटी क्वोशेंट, इमरजेंसी हैंडलिंग करने में आप कैसे हैं। आपने सुना होगा दो टाइप के किस्से जिसमें इमरजेंसी आती है, कुछ पायलट ने ऐसे डिसीजन ले लिए कि सबकी जान बचा ली और कुछ की गलतियां वो लोग ब्लैंक हो गए और पूरे लोगों की जान चली गई। Why? Because वो AQ पे डिपेंड करता है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर्स, इन सभी का AQ बहुत हाई होना चाहिए। लाइकवाइज आप विजुअल हैं, आप ऑडिटरी हैं, कि आप किनेस्थेटिक हैं। विजुअल जो लोग देख के सीखते हैं, ऑडिटरी जो लोग सुन के सीखते हैं, काइनेस्थेटिक जो लोग अनुभव से सीखते हैं। एग्जाम्पल, चाय बनाने के भी 3 तरीके होते हैं। कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग सुन के सीखते हैं, वो बातें करेंगे, अच्छा मतलब पहले चाय पत्ती डालना फिर उबालना, ओके, इस तरह से कम्युनिकेशन वर्ड्स। एंड कुछ लोग बोलेंगे एक काम करता हूँ मैं ही बना के देख लेता हूँ, अगर वो बना लेंगे तो वो नहीं बोलेंगे, यानी प्रैक्टिकल। तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग थेरापीज होती है। लाइक एग्जाम्पल, आप मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, बट विजुअल लोग हमेशा उसके लुक पे फोकस करते हैं, ऑडिटरी हमेशा साउंड सुनने का प्रयत्न करते हैं, एंड काइनेस्थेटिक जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उसका टच फील करते हैं। तो इसी तरह से हमारी वो लर्निंग स्टाइल होती है, और अगर वो हम पहचान लें तो हम बेस्ट अपनी मेमोरी को बूस्ट अप कर सकते हैं, हम और भी अच्छा तरह से अपनी क्षमता को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मम्मी विजुअल है तो वो बच्चे को यही सजेशन देगी कि बेटा तू पढ़, पर बच्चा अगर ऑडिटरी है तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको नींद आने लगेगी, और आप उसको कहते हैं 2 घंटे 5 घंटे पढ़। अगर बच्चा काइनेस्थेटिक है तो वो 20 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा, और आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो 2 घंटे बैठ ले। तो हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पद्धति से उसको पढ़ाई करवानी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती है जो इस रिपोर्ट से क्लियर होती है, और हम इसको काउंसलिंग के जरिए 1-to-1 लोगों को समझा देते हैं। तो फाइनली इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट का एक और चीज, ये लाइफ टाइम रिपोर्ट है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलती, इसलिए रिपोर्ट भी लाइफ टाइम सेम रहता है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके लाइफ में एक बार इस रिपोर्ट को जरूर करवाइए, ताकि आप अपने पूरे पर्सनालिटी के बारे में क्लियर हो जाए। और इसकी करवाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज डिवाइडेड इन 4 things। फर्स्ट, आपको हमारी टीम को आके फिंगरप्रिंट्स देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी फिंगरप्रिंट्स का स्कैनिंग होगा, दैट इज जस्ट 5-10 minutes ऑफ प्रोसेस। उसके बाद उस फिंगरप्रिंट्स का हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा एनालिसिस होगा और उसके ऊपर रिपोर्ट बनेगा। 3rd thing, उस रिपोर्ट को हम आपको सेंड करेंगे। एंड 4th thing, आपको उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग में आना पड़ेगा।
जिसकी काउंसलिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, वन टू वन भी होता है, फोन काउंसलिंग भी होता है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपके पूरे परिवार के साथ आपको आपका रिपोर्ट समझाएंगे, आपके बच्चों का रिपोर्ट आपको समझाएंगे एंड उसके ऊपर सारी सजेशंस, फीडबैक सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में और डिटेल्स में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन आवर ऑफिस नंबर्स एंड आप हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना न भूले। फेसबुक पे हमारा पेज है हिमानी हैप्पीनेस हब, उसको लाइक करने से आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप हिमानी हैप्पीनेस हब के नाम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइनली लास्ट यूट्यूब पे हमारा चैनल हिमानी हैप्पीनेस हब, इसको सब्सक्राइब करना न भूले। ढेर सारे वीडियो है, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।